अस्सलाम वालेकुम। ये सर जो मस्जिद है 125 साल पुरानी मस्जिद है, इसको सरदार सबत खान गोलो ने तामीर करवाया था। मस्जिद की सबसे बड़ी एक अहम बात यह है कि इस मस्जिद को सुतून नहीं है। सुभान अल्लाह। सुतून एक ऐसे कारीगर ने तामीर की है, इसमें ना ईंट है, ना टीयर है, ना गार्डर है, ये मस्जिद गुंबद के जरिए खड़ी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हमजा सुल्तान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सन ऑफ सुल्तान। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक मकनातीसी मस्जिद दिखाने ले जा रहा हूं, जिसे देख के मतलब ऐसी मस्जिद जो खुद एक मकनातीस है, वो मकनातीसी ऐसे मतलब इतनी अट्रैक्टिव है कि वो खुद की तरफ इंसान को खींच लेती है। सुभान अल्लाह। लेकिन आजकल हम जितने भी मुसलमान हैं, हम आजकल ज्यादातर रूहानियत की तरफ बहुत कम ध्यान देते हैं, इतना मुतवज्जा रूहानियत की तरफ नहीं होते। मैंने खुद यहां पे चेक किया है, मैंने जितनी भी मस्जिदों के व्लॉग बनाए हैं, लोगों ने व्यूज नहीं दिए, लोग आए ही नहीं, देखने ही नहीं आए। जहां मस्जिद का टाइटल आ जाता है, थंबनेल आ जाता है, लोग भाग जाते हैं। तो यारो, ये दजाली दौर है, ये जो इंडियन और इंग्लिश और आजकल तो पाकिस्तान में ही ठुमके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये देखने के लिए तो हम तरस रहे होते हैं, यार कोई आए ठुमका लगाए। हाँ, ये चीजें देखो, बेशक देखो, मना नहीं है, देखो, मोबाइल है आपके पास, इंटरनेट है, सब कुछ है, तो आप देखो। लेकिन यार, अल्लाह के घर को भी देख के सुभान अल्लाह कहना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जहां रूह को सुकून मिलता है, जहां पे अल्लाह खुश होता है कि कोई मेरे घर को आके देख रहा है। मेरे घर को बना नहीं सकते, बनाने में मदद नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम देख लिया करें। इसलिए आप लाजमी ये वीडियो एंड तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि आपको ऐसी हिस्टोरिकल प्लेसेस दिखाएंगे। हिस्ट्री के साथ टच रहना है तो हमारे व्लॉग्स आप एंड तक लाजमी देखा करें। बहुत शुक्रिया। चलें जी, आपको ले चलते हैं आज रूहानियत की तरफ। दोस्तों, ये हालात देखो, बिल्कुल बड़ा बढ़ाया रोड, कारपेट रोड, सोबतपुर वाला बलोचिस्तान सोबतपुर वाला रोड है। और इस देखो ये तबाही कितनी सैलाब मचाई है, 3 फुट 4 फुट पानी इस रोड दे उतू गुजरता रहे है। इसी बस्ती है ये, तुर्की और जापान। अच्छा, ये कुछ तुर्की वालों ने तावन किया है और कुछ जापान वालों ने। चंद टेंट लगे बस यही पे, बस ये देखे दोस्तों, बस ये जापान वालों ने और तुर्की वालों ने कुछ तावन किया है, जो बस्ती बनी है ये टेंटों वाली, बाकी यहाँ पे किसी ने कोई तावन नहीं किया। 10 टेंट लगे 10। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक दी करम नवाजी नाल इस वक्त असा सोबतपुर शहर पहुंच गए हैं। और अज जेड़े मकसद वास्ते आए हैं, जेड़ा साडा टारगेट है, वो मस्जिद है, कदीमी मस्जिद, और इसको 125 साल हो गए हैं और अभी तक ये अपनी ओरिजिनल कंडीशन में है। तो ये बहुत हम जल्द पहुंचने वाले हैं उस मस्जिद में। और इस मस्जिद का जो मिस्त्री था, उसने 4 मस्जिदें तामीर की हुई हैं, इसी एक ही ने। पहली आपको दिखा चुके हैं, पहली आपने हमीर वागो खैरुआगा में देखी है, दूसरा खैरुआगो में है, तीसरी ये अपने सामने 125 साल पुरानी मस्जिद ये सोबतपुर शहर में। इससे एक और दूसरी मस्जिद आगे है आदमपुर में, उसको भी 125 साल हुए गए हैं और इसी कारीगर ने तामीर किया था मस्जिद। मतलब इस कारीगर ने, एक मिस्त्री ने 5 मस्जिदें तैयार की हैं। जी हाँ, बिल्कुल, 5 बलोचिस्तान में। और बड़ी बात यह है कि ये सारी सेंटर में हैं, बिल्कुल सेम। क्या पहले आदमपुर, फिर सोबतपुर, फिर खैरुआगा, फिर हम्बीरवागा और मुरादली, बिल्कुल सामने है, आमने सामने, एक ही रो में, बिल्कुल एक रो में है। माशाल्लाह, आप क्या गूगल पे ट्राई करके चेक कर लें, ये बिल्कुल सेम है। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह सर खैर नाल पहुंच गए, एक कोट वे सोबत खान दा, मीर सोबत खान गोले दा,
ਇਹ ਵੇਖੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਧਰ ਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਇਹ ਕੋਟ ਹੀ ਕੋਟ ਹੈ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा वेख के दिल खुश हो गया। सारा आईने का कम है, शीशे का कारीगरी वेखो इसकी, जै मिस्त्री बढ़ाया क्या बात है। उस तो इलावा ज्योमैट्रिकल पैटर्न के नाल जड़ा ना शानदार किस्म का डिज़ाइन किया गया है, बहुत आला, सुभान अल्लाह। हाँ तो दोस्तों ये तुसा मस्जिद वेखी, ये मस्जिद है सोबतपुर इलाके जड़ी मस्जिद का असं थोड़े नाल जिक्र करूँ पाया, जड़ी मस्जिद का साढ़े टारगेट है कि इसनों बन के थानू विखावना है, थोड़े नाल शेयर करना है। ये मस्जिद है जड़ी पंजवीं मस्जिद है, जड़ी जिस मिस्त्री की गल करूँ पाया, उस मिस्त्री चार मस्जिद टोटल पंज मस्जिद बनवाइया, चार मस्जिद चू मैं थानू एक ही को खैरू वागा अली विखा चुका, बाकी रह गई त्रै मस्जिद, इंशाल्लाह वो भी वेख सूँ। उस मस्जिद का आर्ट चेक करो, कम चेक करो, और मिस्त्री का वाह दोस्तों, उस वाहिद मिस्त्री जेड़ा इतने पंज मस्जिद बलोचिस्तान बढ़ा के गया, उसका ना भी इतने लिखा हुआ कहते हैं, ये थोनू ना वो विखेंदे हैं, मिस्त्री हाजी मुहम्मद मूसा कौम सुमरा सकना जकमाबाद। हैदराबाद और सिंध दे कुछ मिस्त्री आए हैं, उन्होंने कम है जेड़ा, ये कम होया होया तो मस्जिद विखाई, बहुत ही कदीमी और खूबसूरत तरीन मस्जिद है। बोरी चूना बाकी सीमेंट का इस्तेमाल नहीं होंगे, अच्छा हाँ एक चूना है सीमेंट उन दौर की इजाद ही ना आई, तो इन एकड़ी बोरी आँदी जिस अस गंदम मट्टा वाला पहनने, अच्छा। बोरी है, बोरी और चूना कुट से पानी मिक्स करके उन्होंने चुनाई थी, जबरदस्त ये चेक करो दोस्तों, पुराने आसार नजर आते पे चूने के, ये पुराने आसार भी थोड़ा नजर आते पे उस चूने के, ये बोरी और वाइट चूना जोड़ा है उसनों कुट के इस मतलब मसाला वगैरह बनाया, मसाला उसे चीज का बढ़िया हुआ है। थोड़े सामने मस्जिद कितनी खूबसूरत है, अंदरों मैं थोड़ा विखा चुका, एक दफा वध ज़ियारत करो इस मस्जिद की, सुभान अल्लाह, चेक करो। दाड़ी फकीर आप मुझे एक बात बताएं, आज जिस मस्जिद को आपने देखा है, देख के आपको क्या फील हुआ है, क्या महसूस किया आपने? माशाल्लाह मस्जिद देखने गए थे सबत की जी, माशाल्लाह नया खूबसूरत थी बहुत, अच्छा
इंसान जो भी है मस्जिदों के कोई तरीका है भीख मांगने का। स्त्री सुमरो था ना, सुमरो तो था मूसा जिसने ये मस्जिद बनाई है माशाल्लाह, वो हमारे जात का सुमरो था। लगता ये पागल हो गया। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। अच्छा हमारी जात का सुमरो था, उसने 5 मस्जिदें बनाई है। क्या बात, सोबतपुर वाली, बोट चंगू वाली, कौन सी, हाँ, और खैरू वागो, खैरू वागा, खमीर वागो, खमीर वागा, हाँ, और क्या कहते हैं इसको, चौथा भूल गए, पांचवा भूल गए, पांचवा भी याद है, फिर कभी दूसरे व्लॉग में बताएंगे। अच्छा। दिखाएंगे भी सही, दिखाएंगे भी सही इंशाल्लाह। फाइनली दोस्तों असं पहुंच गए वापस सिंध, और उम्मीद है कि थोनू अज दा व्लॉग पसंद आया। उसी अगर पसंद आया तो जल्दी लाइक।